हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा भाई, हमारी ही एक स्टूडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एफएट के सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड दिस इज अवर स्टूडेंट फ्रॉम स्पेन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजी और मेरे से पूछा कि सर, ये जो आपने लिमिट्स पढ़ाई हैं, आप लोअर लिमिट्स तो मटीरियलिटी के पढ़ाते हैं बट अपर लिमिट्स नहीं पढ़ाते, इसके रीजन क्या है? अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने से पहले इसकी बैकग्राउंड आपको थोड़ी सी बता दूं। देखें, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड मटीरियलिटी? मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज करें आपकी सैलरी है $15,000 की और मैं आपके पास आता हूं और आपसे कहता हूं कि मुझे काइंडली $10 दे दें। आप कहेंगे मेरी सैलरी $15,000 की है और मैंने इस बंदे को $10 देने हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट है, बगैर कुछ सोचे समझे आप दे देंगे, कुछ जहन में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यू विल जस्ट गिव इट टू मी, राइट? अच्छा, अब सपोज करें सेम इवेंट है लेकिन $15,000 की सैलरी और अब मैं आपसे $50 मांगता हूं, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज बहुत ही नेग्लिजिबल छोटी सी इररिलेवेंट अमाउंट है। अब $100 मांगता हूं सेम सैलरी पे आपकी, फिर नेग्लिजिबल है। नाउ लेट सपोज मैं आपसे $500 मांगता हूं, अब आप जरा रुकेंगे और सोचेंगे इस डिसीजन के बारे में, क्या मुझे इस बंदे को $500 देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मटीरियलिटी, के दूसरा बंदा, द यूजर, जो अगला बंदा है, उसका डिसीजन स्टॉप हो और वो सोचना शुरू कर दे, उसका डिसीजन इंपैक्ट हो आपके इस डिसीजन की वजह से। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मटीरियलिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर लेकर आए। कंपनीज बनाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने पीपीई रिकॉर्ड की $1 बिलियन की, $1 बिलियन के अंदर मिस्टेक है भाई सिर्फ $1,000 की, कोई फर्क पड़ेगा? $1 बिलियन की अमाउंट एक जगह, $1,000 की अमाउंट एक जगह, कोई फर्क पड़ेगा? नो। सेम यही $500 पे हो, सेम यही $5,000 पे हो, शायद ये $100,000 पे भी हो तो कोई फर्क ना पड़े क्योंकि बड़ी अमाउंट है आगे दूसरी तरफ, $1 मिलियन, $1 बिलियन की बात करूं। अच्छा, अब लेट सपोज करें 100 मिलियन की कोई फिगर खराब लिखी भी आपने पीपीई के अंदर और टोटल वैल्यू $1 बिलियन की है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे यूजर इन्वेस्टर होता है, बैंक्स लोन देने वाले होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज टैक्स लेने वाली होती हैं। ये लोग इतनी बड़ी अमाउंट का घपला यानी कि एरर या फ्रॉड जब देखेंगे 100 मिलियन की अमाउंट का, तो यहां पे वो लोग सोचेंगे एक दफा कि भाई इस बंदे ने इतनी बड़ी अमाउंट की फ्रॉड या एरर किया हुआ है, यही अगर छोटी अमाउंट होती तो कोई फर्क ना पड़ता। यहां पे ऑडिटर आता है, ऑडिटर को एक चीज पढ़ाई जाती है जो कि आप एफएट में भी पढ़ते हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई ऑडिटर ने एक मॉडल याद रखना है। वो क्या मॉडल है? वो मॉडल इस चीज के लिए यूज होता है कि ऑडिटर ये डिटरमाइन कर सके कि भाई मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूं, वो कितनी अमाउंट होगी जो कि मेरे यूजर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है। ये मॉडल कहलाता है द रैप मॉडल, RAP, रैप मॉडल। रैप्स R stands for revenue, A stands for assets, यानी कि total assets, and P stands for profit before tax, यहाँ पे total profit, ठीक है? और ये model कहते हैं anything of revenue जो कि revenue के 0.5% से ऊपर amount हो वो material है, asset के 1% से ऊपर हो material है, profits के 5% से ऊपर हो वो material है, ठीक है? यहाँ तक आपको concept समझ आ गया कि auditor जब किसी चीज की calculation करता है, let's suppose कहते हैं कि भाई revenue में आपने $1,000 की amount गलत लिखी हुई है, 1000 divided by टोटल रेवेन्यू अगर वो 0.5% से ऊपर चला गया तो भाई वो मटेरियल है, वो मैनेजमेंट से ठीक करवाने ही करवाने। क्यों? क्योंकि भाई वो मटेरियल चीज है, यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट करेगी, ठीक है? अब आप दूसरी जगह पे समझे अपर लिमिट्स को। कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, रैप मॉडल ओरिजिनली हमें ये कहता है कि रेवेन्यू का 0.5 से 1% तक, ठीक है, एसेट्स का आपका 1% से 5% तक और प्रॉफिट्स का 5% से 10% तक। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि ये जो अपर लिमिट्स है ना, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको इग्नोर करना है, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएट के एमसीक्यूज के लिए आपने इसको रट लेना है। उसकी रीजन क्या है? देखें, लेट सपोज मैं कहता हूं एक $20,000 की अमाउंट है और वो मटीरियल है। अब ऑलरेडी वो मटीरियल है, रेवेन्यू के 0.5% से अबव है, एसेट्स के 1% से अबव है, प्रॉफिट के 5% से अबव है। अब वो अमाउंट 20,000 की हो, 30,000 की हो, 40 की हो, 100,000 की हो, जब तक वो 20 से ऊपर है, यानी कि जब तक वो रेवेन्यू के 0.5% से ऊपर है, फिर चाहे वो 1% से ऊपर भी चली जाए, वो मटेरियल ही रहेगी। तो ये अपर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, ये यहां पे आके खत्म हो जाता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ OTQs आपने इस चीज को याद रखना है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने ये बात याद रखनी है, खासतौर पर रिस्क के क्वेश्चन के लिए, कि एनीथिंग दैट इज अबव द रैप मॉडल वो क्या होती है? मटीरियल ही होती है। फिर चाहे वो कितनी भी ऊपर क्यों ना चली जाए, वो इन अपर लिमिट से भी क्यों ना ऊपर चली जाए, वो मटेरियल ही रहेगी। थैंक यू।